दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। और यहाँ पर है दोस्तों मेरे पास आज Redmi Note 10 Pro और उसका करने वाला हूँ मैं यहाँ पर कैमरा टेस्ट। जो प्राइस निकल कर आती है Redmi Note 10 Pro की वो है 17,000 रुपये। और दोस्तों इस वीडियो में आपको खास बात ये देखने को मिलेगी कि ये कंपनी की ओर से दोस्तों फ़ोन नहीं है, बाकी जितने भी आप रिव्यूज़ देखोगे यूट्यूब पे वो सारे कंपनी की ओर से यहाँ पर फ़ोन दिए गए हैं। ये दोस्तों मैंने अपने पैसे से यहाँ पर परचेज़ किया है। और अगर मैं आपको सबसे पहले बात करूँ प्राइमरी कैमरा की, वो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का सैमसंग वाला कैमरा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। बात करें दोस्तों सेल्फी की, तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे की ओर। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इसके फीचर्स की, तो इस फ़ोन में आपको भाई सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर 10x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं वीडियो में भी और फोटोज़ में भी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मोर पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन देखने को मिलता है। ब्यूटी मोड है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वीडियो की, तो वीडियो में दोस्तों आपको 4K वीडियो एट 30fps पर देखने को यहाँ पर मिल जाती है। साथ में दोस्तों फुल HD वीडियोज़ आप यहाँ पर 60 फ्रेम तक रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों बात करें यहाँ पर जूम की, तो 10x जूम आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर अल्ट्रा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी फुल HD और HD में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो। तो 4K में दोस्तों आपको स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है, इसमें आपको दोस्तों अल्ट्रा HD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बाद में बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पर काफ़ी सही फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जो कि है यहाँ पर ड्यूल कैमरा मोड, क्लोन मोड और स्लो मोशंस। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं इस फ़ोन में यार मतलब फीचर्स की कोई कमी आपको रखी हुई नहीं है कंपनी ने, तो सारे फीचर्स यहाँ पर डाल दिए गए हैं। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं 4K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके पहले अगर यहाँ पर देखें आप तो फुल HD एट 60fps पर और फुल HD एट 30 फ्रेम पर सेकंड पर। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको यहाँ पर एक खास चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे लो लाइट कंडीशन में आप यहाँ पर बेहतर पिक्चर्स और बेहतर वीडियो क्वालिटी निकाल सकते हो अपने इसी Redmi Note 10 Pro के कैमरे से। तो दोस्तों चलिए, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अल्ट्रा स्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। उसका मैं आगे आपको यहाँ पर सैंपल दिखाऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों चलते हैं पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का अगर मैं सैंपल्स आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो भाई जब पहली बार मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड इसका यूज़ किया, तो काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट मुझे देखने को मिले। काफ़ी दोस्तों अच्छा यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड निकल कर आता है, जो डिटेल्स है वो काफ़ी सही है। इसको दोस्तों अगर आप जूम करके देखोगे तो मैक्सिमम फ़ोटोज़ फट जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियरिटी एकदम आपको वैसे ही देखने को मिलती है। तो अगर पोर्ट्रेट मोड भी अगर आप जूम करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जूम कर सकते हैं। और दोस्तों जो कलर्स वगैरह निकल कर आते हैं पोर्ट्रेट मोड में, मुझे काफ़ी सही लगे वो। तो ब्लर है दोस्तों जो बैकग्राउंड में, वो भी काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पर आप एक और सैंपल देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड का। तो जो बैकग्राउंड ब्लर है दोस्तों, उसको आप कम ज़्यादा ये भी यहाँ पर कर सकते हो, तो उसकी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ जितना आपको दोस्तों अच्छा लगे बैकग्राउंड में ब्लर, उतना आप रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल्स की दोस्तों मैं कहूँगा कि यार कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 17,000 रुपये में मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है ये। परचेज़ दोस्तों आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसे परचेज़ कीजिए। और उसके बाद दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पर कुछ फीचर्स की। तो जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पर ड्यूल मोड का ऑप्शन है, 64 मेगापिक्सल के ऑप्शन है। तो टाइम लैप्स दोस्तों आपको टाइम लैप्स का ये यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। तो टाइम लैप्स में दोस्तों आप देख सकते हैं 2x जूम पर मैंने रिकॉर्ड किया है। तो इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की क्वालिटी निकल कर आई है। दोस्तों बात करें यहाँ पर 64 मेगापिक्सल कैमरे की, तो 64 मेगापिक्सल कैमरे को अगर भाई आप यूज़ करते हैं तो MB में जो फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पर 30 MB के लगभग आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो भाई साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर जूम करके आप डिटेल्स देखना चाहो तो वो भी दोस्तों उतनी ही सही निकल कर आती है। इसके बाद दोस्तों एक बार आप यहाँ पर और जूम कर सकते हैं, उसको दोस्तों मैं जब आपको करके बताऊँगा तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई है। जबकि इस टाइम दोस्तों सन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, लाइटिंग कंडीशन बहुत ख़राब थी, तब भी इतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई है। ये भी दोस्तों एक 64 मेगापिक्सल का शॉट है, ये दोस्तों सनी डे है, तो बिल्कुल दिन में दोस्तों ये खींचा गया शॉट है। और आप दूर यहाँ पर एक दो घर देख सकते हैं, उसको दोस्तों हम यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं इसको जूम करूँगा पहली बार,
आप देख सकते हैं यार कितना ज़्यादा जूम यहाँ पर ये फ़ोन कर सकता है। जो 64 मेगापिक्सल की क्वालिटी है वो नाम की नहीं है, काम की है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कितने दूर ये घर है और कितने ज़्यादा जूम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वीडियोस की। तो ये दोस्तों जो वीडियो है ये अल्ट्रा स्टेबिलिटी ऑप्शन ऑन की हुई है मैंने, और यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो फुल एचडी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एट 30 फ्रेम पर सेकंड पर। और आप देख सकते हैं कि कोई भी झटके यहाँ पर मुझे तो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। बात करें दोस्तों इसके कुछ और फीचर्स की, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ड्यूल कैमरा मोड आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी दोस्तों आप काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि कोई यहाँ पर ज़्यादा यूट्यूब के लिए, आज दोस्तों लोग सारे यूट्यूब पर जा रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी सही फ़ोन है। यहाँ पर आप हो सके तो अपना कोई भी काम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे किसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब जो भी आपको पसंद आए यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक फीचर्स है जो काफ़ी सही है और हर फोन में मुझे लगता है होना चाहिए। और बाकी इसके फ़ोन के बारे में दोस्तों आगे वीडियो में बने रहे, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। ये दोस्तों इसी फ़ोन से रिकॉर्ड की हुई स्लो मोशन वीडियो, दोस्तों इसमें आप 960 फ्रेम पर सेकंड तक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये दोस्तों 240 फ्रेम पर सेकंड तक है, क्योंकि यार दोस्तों मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर 960 फ्रेम पर सेकंड पर आपको वीडियो यहाँ पर नहीं दिखा पाएगा, इसलिए मैंने वो वाली वीडियो आपको नहीं दिखाई है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पर आप नाइट में वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हो अपने इस स्मार्टफोन से। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है 1080p 60 FPS पर। वो क्यों, आगे आप यहाँ पर वीडियो देखिए और आप यहाँ पर पूरा समझ जाएंगे कि क्यों रिकॉर्ड नहीं करनी है। 1080p 30 FPS पर, और आप यहाँ पर क्वालिटी देख सकते हैं, और मैं इस टाइम चल रहा हूँ तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी सही है। और लो लाइट दोस्तों कंडीशन आप देख सकते हैं, सारे यहाँ पर जितने भी घर है वहाँ पर लाइट्स ऑन हो चुकी है, तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर लो लाइट है इस टाइम में। और चलिए दोस्तों अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 1080p 60 FPS की क्वालिटी। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर 1080p 60 FPS पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो जब लो लाइट कंडीशन हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इससे आप अपनी वीडियो क्वालिटी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो नाइट में। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर फ्रंट कैमरे का सैंपल थोड़ा सा देख लेते हैं लो लाइट कंडीशन में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और अभी भी दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन बहुत बेकार है, ज़्यादा अच्छी लाइटिंग कंडीशन है नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं फुल एचडी पर 30 फ्रेम पर सेकंड में कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई है। और स्टेबिलिटी दोस्तों इस फ़ोन की फ्रंट कैमरे की काफ़ी सही मुझे लगी है। तो चलिए दोस्तों लो लाइट कंडीशन की और आपको ले चलता हूँ। फ्रेंड्स इसका आप चलान करवा सकते हैं, यहाँ पर इसने मास्क उतारा हुआ था। और भाई ये वीडियो हम फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम यहाँ पर जो क्वालिटी है वो है 1080p मतलब फुल एचडी पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर। तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे की क्वालिटी काफ़ी सही है, बैक कैमरे से तो दोस्तों मैं कहूँगा कि इस टाइम काफ़ी सही क्वालिटी आ रही है, और काफ़ी नाइट है इस टाइम। अगर मैं नॉर्मल फ़ोन्स की फ़ोटो आपको दिखाऊँगा तो आप उससे कंपेयर करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो ये फ़ोन दोस्तों काफ़ी सही है इसके प्राइस के मुताबिक, अगर आपको लेना है तो आप जा सकते हैं कहीं पर भी, आपको अगर अवेलेबल दिखता है तो आप परचेज कर लीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर यूज़ किया इसका 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा थोड़ा लो लाइट कंडीशन में, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इमेज यहाँ पर ये पिक करता है। वैसे दोस्तों डिटेल्स में कहूँगा कि काफ़ी ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैक्रो कैमरा ज़्यादा मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ, तो सीधे चलते हैं यहाँ पर सेल्फ़ी की ओर। अगर दोस्तों सेल्फ़ी में पोर्ट्रेट मोड में अगर आप यूज़ करोगे डे लाइट कंडीशन में तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छे से दोस्तों ये डिटेक्ट कर लेता है आपका फेस, आपकी बॉडी, और आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखो। और दोस्तों अगर ड्यूल ऑब्जेक्ट हो, मतलब दो ह्यूमंस यहाँ पर फोटो ले रहे हैं पोर्ट्रेट शॉट में, तो काफ़ी अच्छे से दोस्तों डिटेक्ट कर लेता है। और इस टाइम तो दोस्तों यहाँ पर लो लाइटिंग कंडीशन भी है, तो फिर भी दोस्तों जो कलर्स वगैरह है मुझे कोई यहाँ पर डाउट नहीं है इसके रिगार्डिंग, और शरीर में दोस्तों कोई कमज़ोरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मल शॉट की बात करें तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर आप डायनेमिक रेंज की बात करो उसमें भी दोस्तों कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। इस फोटो में भी दोस्तों देख सकते हैं ये फुल यहाँ पर सनी डे की फोटो है, उस दिन भी दोस्तों आपको एडजस्टमेंट काफ़ी सही देखने को मिलेगी कैमरा की। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा यहाँ पर काफ़ी सही है। बात करें दोस्तों अल्ट्रा वाइड शॉट की, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा कैमरा देखने का आपको मिल जाता है, तो 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर लेफ्ट साइड में कैमरा है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जो कलर शिफ्ट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा,
और अगर आप दोस्तों नाइट में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करते हैं तो क्वालिटी में दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जो एंगल आपको देखने को मिल जाता है 118 डिग्री का, उससे आप काफ़ी ज़्यादा वाइड फोटोज़ यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों नाइट मोड यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है वो भी काफ़ी सही देखने को मिलता है इस फोटो में, आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा नाइट में दोस्तों आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर नाइट मोड काफ़ी अच्छे से वर्क कर लेता है। इस फोटो में आप दोस्तों क्लियरली देखोगे कि थोड़ा बहुत आपको मैं कहूँगा नॉइस की थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी अगर आप नाइट मोड यहाँ पर यूज़ करेंगे, बाकी उतना ज़्यादा फर्क मुझे यहाँ पर दिखा नहीं है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में यार, और मैंने दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।